हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग सीटेट की कंप्लीट मैथ्स का रिवीजन कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें हमने नंबर सिस्टम की क्लास 3 कंप्लीट कर ली है। दोस्तों, आज बात करते हैं क्लास नंबर 4 की और देखेंगे कि आज की क्लास में आप लोग क्या शानदार सीखने वाले हो। तो दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग सीखोगे कि आपको ज्ञात करना होगा घात वाली संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना। कहने का मतलब ये हुआ, कोई संख्या दे दी जाए, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 3, 2, 4, 5, 6, इसकी पावर मान लो मैंने कुछ भी दे दिया 1, 2, 3, 4। अब आपको ये बताना है कि इस जो संख्या दी गई ना, संख्या की पावर दे दी गई, ठीक है। अब आपको पता करना है कि इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, तब बताना ये है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। आपको इकाई का अंक का मतलब समझो, इकाई का अंक को कहते हैं हम लोग लास्ट डिजिट, यानी कि अंतिम अंक क्या होगा। तो आपको इसमें बताना यह है कि इसका अंतिम अंक यानी कि इकाई का अंक क्या होगा। अंतिम अंक बोल दे या कहने इकाई का अंक हमारा क्या होगा, इतनी बात समझ गए। अब इतने बड़े जो पावर दी गई ना, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमको तो सॉल्व करना आता नहीं है, कुछ ना कुछ तरीका तो हमको अपनाना पड़ेगा ना, तभी हम एग्जाम में सवाल सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ना, सबसे पहले आप वो सीखिएगा, उसके बाद कुछ और सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना है ध्यान से कि आप मुझे बताओ, जैसे यहाँ पर लिखा है 32 की पावर मान लो 2 लिखी है। अब पावर 2 का मतलब क्या होता है, मान लो उसी नंबर का स्वयं में आपस में गुणा, यही तो पावर का मतलब होता है जब पावर 2 होती है। आप मुझे बताओ, इस चीज को हम बचपन की तरीके से लिख लेते हैं 32 × 32, ठीक है। बचपन में हम कैसे गुणा करते थे, 2 × 2 = 4, 2 × 3 कितना हुआ 6 हुआ। अब 3 का गुणा करो, 3 × 2 = 6 हुआ। अब 3 × 3 = 9 हुआ। आप मुझे तो यहाँ क्रॉस कर देते थे ना, ये देखो यहाँ पर कितना आया, 4 ही रहेगा, ठीक है। अब इसको जोड़ो, 6 × 6 कितना होता है 12 होता है, 12 की आप क्या लिखोगे 2 लिखोगे, फिर 9 × 1 कितना होता है 10 होता है, इतनी बात समझ गए। यानी कि इकाई का जो अंक आया इसमें कितना आया, 4 आया, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आप मुझे तो अगर आपको डायरेक्ट इकाई का अंक ज्ञात करना है ना, तो को बचपन में क्रॉस क्यों लगा देते, और क्रॉस ये 4 कहां से आया, ये 4 जो आया इस 2 और 2 का मल्टीप्लाई आया, और ये 2 और 2 है क्या, आप कहोगे इस संख्या का लास्ट का अंक है। यानी कि कभी भी आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है ना, तो इकाई का जो अंक होता है बच्चा, इकाई के अंक पर ही निर्भर करता है। छोटी सी बात है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेना, इकाई का जो अंक होता है बच्चा, वो इकाई के अंक पर ही डिपेंडेंट करता है, इतनी बात समझ गए। मान लो कोई भी संख्या, जैसे यहाँ पर 57 × 57 लिखी है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं 58 मान लेता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि इकाई का अंक क्या होगा, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 7 और 8 का गुणा ही हमारा इकाई का अंक देगा। 7 + 8 कितना होता है 56, 56 लास्ट में क्या आएगा, 6 आएगा, यानी कि इकाई का अंक जो होगा वो कितना होगा, 6 होगा, इतनी बात समझ गए। तो इकाई का अंक जो होता है वो इकाई के अंक पर ही डिपेंडेंट होता है, इतनी बात अपने दिमाग में रखना और चीजें सरल हो जाएगी, इतनी बात समझ गए। अब आते हैं पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। जैसे आपके सामने हमेशा ध्यान रखना, मान लो बच्चा कोई भी नंबर दिया गया हो जिसके लास्ट में कितना है, 0, लास्ट में 0, इतना बड़ा नंबर दिया गया है लास्ट में 0 है, और इसकी पावर यहां पर कुछ भी दी गई हो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे, 1010 है, ठीक है। इसकी पावर यहाँ कितनी है, 125 है। अब आपको बताना यह है कि इकाई का अंक क्या होगा। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी इकाई का अंक हमारा 0 होता है, इसकी पावर कुछ भी हो, तो बच्चा इकाई का जो अंक होगा वो हमेशा कितना होगा, 0 ही होगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। कभी भी इकाई का अंक अगर हमको 0 दिखता है और इसकी पावर कुछ भी दिखती है, तो इकाई का अंक क्या रहने वाला, 0 रहने वाला। कैसे, जैसे मैंने बोला कि 10^2 है, 10^2 को आप क्या ले सकते हो, 10 × 10 लिख सकते हो। आप देखो 0 और 0 का गुणा करोगे, क्योंकि इकाई का अंक इकाई के अंक पर ही डिपेंडेंट होता है, 0 × 0 करोगे तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलने वाला है, समझ रहे हो। इस प्रकार से चाहे कितनी बड़ी पावर क्यों ना हो, अगर इकाई का अंक हमारा 0 है ना, तो हमेशा वो इकाई का अंक क्या देगा, 0 ही देगा, इतनी बात समझ गए। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कहता है कि इकाई का अंक बच्चा अगर हमारा 1 है, अगर चाहे यहाँ इधर चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना दी जाए, लेकिन इकाई का अंक अगर हमारा 1 है और इसकी पावर कुछ भी दी जाए, जैसे यहाँ पावर कितनी दे रखी, 312, इसकी पावर कुछ भी दी जाए ना, तब भी बच्चा इकाई का जो अंक रहेगा वो क्या रहेगा, 1 रहेगा, समझ गए।
छोटा सा एग्जांपल समझाते हैं, जैसे 11 इंटू 31 लिखा है, आप बचपन में ले जाओ, इकाई का अंक किस पर डिपेंडेंट करता है, 1 इंटू 1 पर डिपेंडेंट होता है, समझे। इसका मतलब इकाई का अंक यहाँ कितना रहेगा, 1। कहने का मतलब ये हुआ जब भी किसी संख्या के अंक में 1 है और इसकी पावर कुछ भी दी रखी हो ना, तो इकाई का अंक जो रहने वाला वो हमेशा कितना रहने वाला, 1 रहने वाला। एक चीज समझ गए, आपने दो बातें अभी सीखी, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना दी जाए, लास्ट में अगर 0 है और इसकी पावर यहाँ पर कुछ भी है, अगर आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है तो इकाई का अंक क्या रहने वाला, 0। दूसरी बात आपने ये सीखी, यहाँ पर चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो और लास्ट में 1 है और इसकी पावर अगर n है ना बच्चा, तो इकाई का अंक क्या रहेगा, 1 ही रहने वाला है। निवास समझ गए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, लेट से इतना बड़ा नंबर दे रखा है और यहाँ इकाई का अंक कितना है, 5 है, क्योंकि हमको इकाई का अंक निकालना है तो इकाई के अंक पर ही फोकस करना है। इतनी बात समझना ध्यान से, इकाई का अंक कितना है, 5, और यहाँ 5 की पावर कितनी है, 419। यहाँ पावर कुछ भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतनी बात समझ गए, जब भी इकाई का अंक बच्चा हमारा 5 है और इसकी पावर कुछ भी दी रखी हो ना, तब भी इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना, इकाई का अंक हमेशा कितना आने वाला, 5 ही आने वाला है। आप करके देख लो ना, जैसे आप 25 का स्क्वायर जानते हो, 25 का स्क्वायर क्या होता है, आपको 625 होता है, यानी कि 25 × 25 करेंगे, हमेशा 25 × 25 25 25 करते चले जाओगे ना, तो 5 × 5 क्या बनाएगा, 25 बनाएगा, यानी कि इकाई का अंक जो रहेगा वो हमारा कितना रहेगा, 5 ही रहने वाला है। इतनी बात समझ गए, 3 बातें समझ गए। आपने क्या क्या सीखा, अगर कोई भी संख्या कितनी बड़ी हो, लास्ट में अगर 0 है या 1 है या है 5, इसकी पावर अगर कुछ भी है, तो इकाई का अंक जो डिपेंडेंट होता है वो यही नंबर हो जाते हैं। अगर 0 की पावर कुछ भी हो तो इकाई का अंक हमारा कितना रहेगा, आपको अगर 0 ही रहेगा, समझ गए। अगर 1 की पावर कुछ भी हो तो इकाई का अंक कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। अगर 5 की पावर कुछ भी हो तो इकाई का अंक कितना रहेगा, आपको 5 ही रहने वाला है, इकाई का अंक नहीं बदलता है। इतनी बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कहता है, लेट से कोई भी नंबर दिया गया है ना, यहाँ इकाई का अंक कितना है, 6 है। इकाई का अंक कितना है, 6 है, ठीक है। अब इस 6 की पावर यहाँ पर कुछ भी दे रखी हो, जैसे यहाँ पर 972 दे रखा है, तब आपको बताना ये है कि इकाई का अंक क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना, जब भी लास्ट में 6 है और पावर कुछ भी हो तो हमेशा ध्यान रखना इकाई का अंक क्या रहता है, वह स्वयं ही रहता है। कैसे, आप पढ़ के देख लो, अगर थोड़ी देर के लिए भूल जाओ तो 36 × 36 करना। देखो लास्ट में इकाई का अंक निकालना तो इकाई के अंक पर ही फोकस करना, क्योंकि हम क्रॉस लगाते थे ना बचपन में, अगर आपको ध्यान हो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल समझाया था गुणा करके, तो 6 × 4 कितना होगा, 36, यानी कि लास्ट में कितना देगा, 6 ही देगा। हमेशा ध्यान रखना जब भी इकाई का अंक हमारा बच्चा 6 है और इसकी पावर कुछ भी है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, इकाई का अंक कितना मिलने वाला, 6 मिलने वाला, समझ गए। आपका एक स्लॉट कंप्लीट हो गया। आपने एक स्लॉट में क्या क्या सीखा, आपने सीखा कि मान लो यहाँ पर कितना बड़ा भी नंबर क्यों ना हो और यहाँ पर लास्ट में 0 है ना, इसकी पावर अगर n है बच्चा, तो इकाई का अंक कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। अगर मान लो मैंने सीखा कोई भी नंबर कितना भी बड़ा हो, इकाई का अंक अगर 1 है ना और पावर कुछ भी हो, तो इकाई का अंक कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। और आपने क्या सीखा, मान लो यहाँ पर 5 है, 5 की पावर n कुछ भी हो, तो इकाई का अंक क्या रहेगा, स्वयं ही रहेगा। अगर आपने सीखा लास्ट में क्या सीखा, 6 है, इसकी पावर कुछ भी हो, तो इकाई का अंक क्या रहने वाला, 6 ही रहने वाला। इतनी चीजें आपने सीख ली, आई होप आपके एग्जाम में अगर ऐसा कुछ आता है ना, तो उसे आप आसानी से कर लेना। हमेशा ध्यान रखना कभी भी लास्ट में 0 है या 1 है या 5 है या 6 है, तो इकाई का अंक जो होता है वो कभी भी नहीं बदलता है। जो इकाई का अंक इधर है वही हमारा यहाँ रहने वाला, सेम टू सेम रहने वाला, कभी भी नहीं बदलेगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे ना, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, देखो यहाँ पर इतना बड़ा नंबर दे रखा है और यहाँ पर इकाई का अंक कितना है, 4 है। यहाँ भी इतना बड़ा नंबर दे रखा, यहाँ पर इकाई का अंक कितना है, 4 है। लेकिन पावर देखो ध्यान से, पावर अगर ध्यान से देखें तो ये पावर कैसी है, आपको कि ये पावर जो है ना बच्चा वो कैसी है, सम संख्या है। सम संख्या क्यों है, क्योंकि देखो ये 2 से कट रही है, सम संख्या मैंने बताई थी ना, जो संख्या 2 से कट जाए वही हमारी सम संख्या होती है। 2 से कटने का नियम, लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, यहाँ 6 आ रहा, 2 से कट रही है, यानी कि इसकी जो पावर है वो कैसी है, सम है। और यहाँ देखो ये पावर जो है वो सम नहीं है, यहाँ कैसी है पावर, आपको विषम है। पावर कैसी है, विषम है। आप ध्यान से देखो इकाई का अंक यहाँ पर कितना है, 4। हमको ज्ञात करना है कि इसको ओपन करने पर इकाई का अंक कितना आएगा। आप पहला पढ़ो, देखो जैसे 4 की पावर 1 करते हो तो कितना मिलता है, 4 मिलता है। 4 की पावर 2 करते हो,
चार दूनी कितना मिलता है, चार चौको कितना होता है आठ, चार चौको कितना होता है सोलह होता है। इतनी बात समझ गए, चार दूनी आठ होता है लेकिन चार की पावर दो कितना बनाता है सोलह बनाता है। हमेशा ध्यान रखना यहाँ चार की पावर वन है क्या, वन क्या है हमारी और संख्या। जब भी कभी पावर ऑड है तो इकाई का अंक हमेशा कितना मिलेगा चार मिलेगा। यहाँ देखो दो कितनी है इवन संख्या, जब भी पावर हमारी सम है तो इकाई का अंक जो होगा बच्चा वो कितना होगा छह होगा। हमेशा ध्यान रखना अगर मैं कहूँ चार की पावर अगर बच्चा कभी भी ऑड है ना विषम संख्या है तो इकाई का अंक कितना देगा चार देगा, और चार की पावर अगर इवन यानी कि सम संख्या है तो इकाई का अंक कितना देगा आपको छह देगा। बस आपको इतनी ही बातें ध्यान रखनी है चार में, समझ गए। आप मुझे बताओ यहाँ देखो चार की पावर कितनी है आपको सम संख्या है, सम संख्या है तो चार तो इकाई का अंक कितना देगा आपको छह, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा छह हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ देखो पावर क्या है विषम है, विषम है तो आप मुझे तो इकाई का अंक क्या देगा आपको चार ही देगा, क्योंकि चार की पावर वन क्या बनाता है चार बनाता है। कभी भी आप भूल जाओ ना तो आप इस टेबल को ध्यान करना, क्योंकि चार की पावर वन क्या होता है चार, चार की पावर दो कितना होता है सोलह, सोलह यानी कि छह इकाई का अंक देने वाला है। इतनी बात समझ गए, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से समझा देंगे, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिर्फ पॉइंट टू ही पॉइंट बात करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, इतना बड़ा नंबर दे रखा लास्ट में कितना है नौ, यहाँ भी इतना बड़ा नंबर दे रखा लास्ट में कितना है नौ, लेकिन यहाँ देखो पावर जो है अगर पावर हमारी कैसी है आपको सम संख्या, क्योंकि ये दो से कट जाती है, लास्ट में कितना जीरो दो चार छह आठ होना चाहिए। यहाँ देखो पावर क्या है आपको विषम संख्या, क्योंकि ये दो से नहीं कटती है। अब देखो इकाई का अंक अगर नौ है और हमको तरीका सीखना है तो आप कुछ नहीं करना, नौ की पावर वन कितना होता है आपको नौ ही होता है, नौ की पावर दो कितना होता है नौ ने इक्यासी यानी कि इकाई का अंक कितना देने वाला एक, और जब भी पावर एक है तो इकाई का अंक कितना देने वाला नौ। पावर एक का मतलब आप कहोगे और संख्या है, नाइन की पावर अगर और संख्या है ना, नाइन की पावर अगर और है तो इकाई का अंक कितना देगा हमेशा ध्यान रखना नौ देगा, और नौ की पावर अगर इवन संख्या है तब इकाई का अंक बच्चा कितना देगा आप कहोगे एक देगा। इतनी बात समझ गए, आप मुझे तो इसको सॉल्व करते हैं। नाइन की पावर यहाँ कितनी है सम संख्या है, सम संख्या है तो इकाई का अंक यहाँ पर कितना रहने वाला है आपको एक रहने वाला है इसका आंसर। यहाँ देखो और संख्या है तो इकाई का अंक यहाँ और पावर है तो इकाई का अंक कितना रहने वाला नौ रहने वाला है। समझ में आया, बहुत ही अच्छे से तरीके समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, हमेशा ध्यान रखना इतना बड़ा नंबर दे रखा और यहाँ कितना दे रखा दो। अभी मैं आपको तरीका सिखा देता हूँ, डेढ़ से आप शिक्षक साहब ने कोई भी नंबर दे रखा और इकाई का अंक अगर दो है या तीन है या सात है या आठ है, इसकी पावर अगर आप कुछ भी दे रखी हो ना तो आपको इकाई का अंक कैसे ज्ञात करना है। हमेशा ध्यान रखना यहाँ पावर चाहे कितनी भी बड़ी दे रखी हो आपको कुछ नहीं करना, इस पावर को तरीका सीख लो, पावर को चार से भाग करना है। चार से भाग करने पर जितना शेषफल आएगा रिमाइंडर जितना आएगा उसी को आपको ब्रेक करना है, थोड़ी देर के लिए उसी को आपको ब्रेक करके लिखना है, क्योंकि पावर जब आप चार से विभाज करोगे ना तो जो शेषफल आएगा वो चार से कम आने वाला, चार से कम आएगा तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हो। कैसे, दो तीन सात आठ है, यहाँ देखो इकाई का अंक दो है ना, आप देखो यहाँ पर चार से भाग करते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर जो भी शेषफल आएगा वो तो आप तोड़ेंगे, अगर आप मुझे तो यहाँ रिमाइंडर जो है ना शेषफल जो है कुछ नहीं आता है ना, जब शेषफल हमारा कितना आ जाए जीरो आ जाए, शेषफल अगर हमारा जीरो आ जाए तो हम यन को हम पावर को हम क्या लिखेंगे सिर्फ फोर लिखेंगे। इतनी चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, जब भी शेषफल जीरो आता है तो हम पावर को क्या लिखेंगे फोर लिखेंगे। ये बात समझ गए, अब देखो चार से काटेंगे, चार से कटने का नियम लास्ट के दो डिजिट देख लो बस वही हमारा इंपॉर्टेंट होता है, लास्ट के दो डिजिट कट रहे हैं तो चार से पूरी पूरी कटेगी, अगर नहीं कट रहे हैं तो वही हमारा शेषफल बनाएगा। देखो ध्यान से, चार दूनी कितना होता है आठ, आठ होता है यहाँ कितना ग्यारह, यानी कि शेषफल कितना दे रखा तीन, पावर तीन दे रखा है, यहाँ है क्या इकाई का अंक दो, अब दो की पावर तीन है, दो की पावर तीन आपको पता है ना, सिर्फ इकाई के अंक पर ही फोकस करो, दो की पावर तीन कितना बनाता है दो दूनी चार दूनी आठ, यानी कि इस संख्या का इकाई का जो अंक होगा बच्चा वो कितना होगा आठ होगा। समझ में आ रही बात, नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ लास्ट में कितना है आपको सात है, कुछ नहीं करना सिर्फ चार से भाग करना है, चार से भाग करना है, देखो दो तीन सात आठ है तो चार से भाग करो, देखो खाली लास्ट के दो डिजिट देखना, चार के बारह पूरा पूरा कट रहा है, रिमाइंडर यहाँ कितना आ रहा है जीरो आ रहा है, जब भी बताया मैंने रिमाइंडर अगर जीरो आ रहा है ना तो हम क्या लिखेंगे आप कहोगे पावर में फोर लिखेंगे, यहाँ इकाई का अंक कितना है सात, तो सात की पावर फोर, अब सात की पावर फोर आपको अगर नहीं आती तो आप कुछ नहीं करना ऐसे कर लो सात गुणे सात गुणे सात गुणे सात, देखो सात सत्ते कितना होता है उनचास, उनचास इकाई का अंक निकालना तो आपको नौ से लेना देना है, नौ सत्ते
63, 63 मतलब इकाई का अंक निकालना तो आपको 3 से लेना देना है, 3 सत्ते 21, 21 में इकाई का अंक कितना आएगा, आप लोग 1 आएगा, ये चीज सीख लेना, इकाई का अंक से इकाई के अंक से ही लेना देना होता है, यानी कि इसका इकाई का अंक कितना आएगा बच्चा, आप लोग 1 आएगा, हमेशा ध्यान रखना जब भी शेषफल हमारा 0 आता तो पावर हम उसको कितना लेते हैं 4 लेते हैं, इतनी बात समझना, ये ट्रिक है, अगर आपको ध्यान रख लेते हो ना तो चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जैसे यहाँ पर कितना आएगा 3, 4, 1, 5, 8, मैंने बोला 2, 3, 7, 8 है ना लास्ट में, तो कुछ नहीं करना, देखो 4 से भाग करना, सिर्फ लास्ट के दो डिजिट देखना कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 18 हुआ, 4 चौक 16, यानी कि शेषफल कितना बचा 2, तो हमको कुछ नहीं लिखना, 8 की पावर 2, जो भी शेषफल हो उसको पावर बना दो, 8 की पावर 2 कितना होता 64, यानी कि हमारा इकाई का अंक कितना आएगा 4 आएगा इस सवाल का, समझ में आ रही बात। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, जैसे यहाँ पर इकाई का अंक कितना है 3 है, अब देखो 4 से भाग कर दो, बस दो डिजिट देखना है, 4 6 कितना होता 24, 24 शेषफल कितना बचेगा 1, यानी कि 3 की पावर 1 क्या होता हमारा 3 ही होता है, यानी कि इस संख्या का जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा 3 होगा, हमेशा ध्यान रखना, आपने सब कुछ सीख लिया, यहाँ पर चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो लेकिन इकाई का अंक बच्चा क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या 9, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता इकाई का अंक, समझ में आ रही है, यहाँ पावर कुछ भी हो, तो आपने 0 की सीख ली, 0 को मतलब कहने का मतलब 0 है और पावर कुछ भी हो तो इकाई का अंक क्या रहने वाला है 0 ही रहने वाला है, 1 है तो इकाई का अंक क्या रहने वाला है 1 ही रहने वाला है, 5 है तो इकाई का अंक क्या रहने वाला 5 ही रहने वाला, 6 है तो इकाई का अंक क्या रहने वाला 6 रहने वाला। अब यहाँ देखो 4 और 9 को हमने अलग तरीके सीखा था, अगर पावर हमारी इवन है देन इकाई का अंक कितना रहेगा आपको 6 रहेगा, अगर इसकी पावर हमारी ऑड है तो इकाई का अंक कितना रहेगा 4 रहेगा, और हमने 9 को अलग तरीके सीखा था, अगर पावर हमारी इवन है देन इकाई का अंक कितना रहेगा 1, और पावर हमारी अगर ऑड है तो इकाई का अंक कितना रहेगा आपको 9 ही रहेगा, समझ गए। अब बचे क्या नंबर 2 बचा, 3 बचा, और ये हमारा 7 बचा, और हमारा कितना बचा 8 बचा, 2, 3, 7, 8 तो आपने सीख ही है, लास्ट में अगर 2 है 3 है 7 है और 8 है, ठीक है, तो अगर पावर कुछ भी हो तो आपको कुछ नहीं करना, 4 से भाग करना और शेषफल देखना, जितना शेषफल बचे उसी की पावर ये बन जाती है, जो भी शेषफल बचे तो वही पावर हमारी 2, 3, 7 और 8 की बन जाएगी, क्योंकि पावर हमारी हो जाएगी छोटी। अब अच्छा हम 4 से भाग क्यों करते हैं ये ज्यादा हम समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ रिवीजन क्लास है, आपको सब कुछ आता होगा, समझ लो बात को, तो यहाँ पर जो भी शेषफल है उसको लिख देंगे, अगर शेषफल हमारा 0 आ रहा है, शेषफल अगर हमारा 0 है तो आ रहा है तो हम पावर को क्या लिखेंगे सिर्फ 4 लिखेंगे, इतनी चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, इतनी बात समझ गए, तो बहुत ही आसानी से आपने समझ लिया होगा। अब एक चीज मैं सिखा दे रहा हूँ, आपने अभी तक जो कुछ भी सीखा है ना, जो कुछ भी सीखा है जैसे यहाँ पर 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है और 9 है, यहाँ पावर कुछ भी है, आपने अभी तक जो कुछ भी सीखा है ना, आपने अलग अलग तरीके से सीखा है, अगर आप चाहते हो कि एक ही स्ट्रोक हमको चाहिए, एक ही तरीका आना चाहिए, तो कुछ नहीं करना, आपको सीधे सीधे 4 से भाग करना है, यहाँ चाहे कुछ भी नंबर दे रखा है ना, आपको सीधे सीधे 4 से भाग करना है, और आपको रिमाइंडर लिखना है, इसकी पावर रिमाइंडर लिखना है, बस यहाँ 0 हुआ 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ 4 हुआ 5 हुआ 6 हुआ 7 हुआ 8 हुआ और ये 9 हुआ, ठीक है, इसकी पावर आपको कुछ नहीं लिखना, यहाँ पर रिमाइंडर लिखना है, रिमाइंडर अगर हमारा 0 आ रहा है तो हमको क्या लिखना है यहाँ पर 4 लिखना है, बस काम बन जाएगा। मतलब कि आप 4 से भाग करने का नियम हर रूल में अप्लाई कर सकते हो, जरूरी नहीं अलग अलग आपको सीखना पड़े, हर रूल में आप करके देखिएगा आप इस चीज को अप्लाई कर पाओगे और आंसर भी आपका राइट आ जाएगा, लेकिन और फास्ट तरीके से करना है तो आपको कुछ सीखना पड़ेगा जो मैंने सिखाया है। आपको क्या क्या सिखाया, मैंने बोला कि 0 है, 0 की पावर अगर आप कुछ भी हो तो इकाई का अंक 0 देगा, यहाँ 1 है तो इकाई का अंक पावर कुछ भी हो इकाई का अंक 1 देगा, और यहाँ पर कितना है 5 है और पावर कुछ भी हो तो इकाई का अंक 5 देगा, और इधर कितना है अगर मान लो 6 है और पावर कुछ भी हो तो इकाई का अंक कितना देगा 6 देगा। अब देखो लास्ट में अगर 4 है, 4 की पावर अगर हमारी ऑड है तो हमारा कितना मिलेगा 4 की पावर 1 से ध्यान रखेंगे तो इकाई का अंक कितना मिलेगा 4, और यहाँ देखो 4 है, 4 की पावर अगर हमारी इवन है तो इकाई का अंक कितना मिलेगा आपको 6 मिलेगा। इसी प्रकार से 9 है, 9 की पावर अगर ऑड है तो इकाई का अंक कितना मिलेगा आपको 9 की पावर 1 कितना होता है 9 होता है, यानी कि इकाई का अंक मिलता है कितना मिलेगा 9 मिलेगा। अगर यहाँ पर पावर मान लो इवन है, 9 की पावर अगर इवन है तो इकाई का अंक कितना मिलेगा आपको 1 मिलेगा, ठीक है। और आपने थोड़ा बहुत और सीखा होगा, अगर लास्ट में 2 है
तीन है, सात है और आठ है। तो इसका इकाई का अंक कैसे निकालते हैं? आप कहोगे पावर कुछ भी हो चार से भाग करेंगे और शेषफल देखेंगे, जो भी शेषफल आएगा वही दो तीन सात और आठ की पावर बन जाएगा, जो भी शेषफल आएगा रिमाइंडर पावर बन जाएगा, पावर बन जाएगा। अगर पावर अगर शेषफल हमारा जीरो आ रहा है तो हम रिमाइंडर की जगह पर क्या लिखेंगे? फोर लिखेंगे। इतनी बात ध्यान रखना। आई होप दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आई होगी। दोस्तों इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं, इस क्लास को बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा। अगर एक बार समझ में नहीं आती तो आप दो बार समझिएगा। आई होप दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया होगा। दोस्तों लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, मैं एग्जाम तक आपके सारे कॉन्सेप्ट और सारे टॉपिक क्लियर करा दूंगा। रिवीजन की क्लास बहुत ही शानदार रहने वाली है और आपके एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेगी। आई होप दोस्तों आप लोग सभी लोग मेरे साथ क्लास को अटेंड करोगे। अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों लाइक जरूर किया करो ताकि मुझे कुछ कॉन्फिडेंट महसूस हो, समझ रहे हो बात को। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।